हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की पाठशाला में। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप हमारे द्वारा बनाए गए स्पोकन इंग्लिश के प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। सिर्फ एंजॉय नहीं बल्कि कुछ लर्न भी कर रहे होंगे और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का भी आप पालन कर रहे होंगे। और क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करने से स्पोकन इंप्रूव होगा। हो सकता है आप में से कई सारे लोग जो इसको टीवी पे देख रहे हो आज पहली बार जुड़ा हो, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, सर्च इंजन में लिखें मुकेश जिनवा, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेज बना हुआ है, और इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से हैं, लाइक करें। और जो भी क्वेश्चन हो वहीं पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, वोकैबुलरी और एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और सभी के साथ शेयर करने की भी कोशिश करें ताकि अधिकतर लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब शुरू करते हैं आप और हम, बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टडी अ न्यू टॉपिक। फ्यू डेज बैक प्रीवियस क्लासेस में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जेरंड, इफ यू रिमेम्बर, है ना, कि एक्शन को नाउन बनाना है, मींस वर्ब को यदि नाउन बनाना तो उसके साथ आप आइंज लगा दीजिए। उसके तीन रूल्स पढ़े थे कि कहाँ पे ये काम में आता है, एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, राइट। और मैंने जब कहा था तब प्रेपोजिशन वाला ये भी कहा था कि आगे वापस आएगा। यदि आप में से कोई इसको नहीं देखा पुराना तो जेरंड के वीडियोज़ को पहले देखें आप, उसके बाद इस टॉपिक को समझें, आपको फटाफट समझ में आएगा, राइट। उससे पहले एक थ्योरी बता रहा हूँ, वो है प्रेपोजिशन की थ्योरी। कई बार लोग ये सोचते हैं प्रेपोजिशन पढ़ने से इंप्रूव हो जाएगा, बट इफ़ यू लर्न, इफ़ यू स्टडी द प्रेपोजिशन, इट विल इम्प्रूव अप टू लिमिट। क्योंकि कई सारे प्रेपोजिशन आपके हाथ में यूज़ करना है नहीं, वो पहले से प्री डिसाइडेड है। यदि आप डिक्शनरी में चेक करते हो ऑक्सफोर्ड में, तो किस वर्ड के आगे कौन सा प्रेपोजिशन है पहले से स्ट्रक्चर के साथ आपको दे रखा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आज का सबसे ईजी एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ फ्रेज, वो है हैबिट ऑफ। मैं ये कह सकता हूँ आप में से सभी लोग हैबिट का मीनिंग जानते होंगे, है ना, हैबिट मीन्स आदत। अब इसके मैक्सिमम यूज कहाँ तक आप ले सकते हो, उसके कितने सेंटेंसेज आप यूज करते कर सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, राइट। तो हैबिट के साथ प्रेपोजिशन काम में आता है ऑफ, और एक नई फ्रेज बन जाती हैबिट ऑफ, ठीक है। हैबिट ऑफ मतलब किसी भी चीज की आदत, ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, पहले से लगा हुआ है, हैबिट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, तो पूरा आप इसको हैबिट ऑफ ही समझें, किसी भी चीज़ की आदत। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब इंसान की आदतें उसको खुद को नहीं पता होता है ना, जैसे अभी आप बार बार हाथ हिला रहे हो, कुछ लोग पेन ऐसे कट कट करते रहते हैं, कुछ लोग खुद थोड़ी थोड़ी देर में जुल्फें, मेरी भी आदत है, जुल्फें संवारते रहते हैं, तो ऐसी कई सारी, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में नाखून खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं फिर, राइट। तो ये हुआ, आपने देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे आवाज़ करते रहते हैं यहाँ पे, है ना, सो जॉइंट्स को क्रैक करते हैं। तो ऐसे कई सारे हैबिट्स इंसान को खुद को नहीं पता होती कि मेरी हैबिट्स हैं, मेरी आदत हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की क्यों ऐसे बार बार बालों को संवारते हो, तो आदमी क्या कहता है, बस ऐसे बाल संवारने की मेरी आदत है सर, है ना, तो बाल संवारने की आदत है। अब सेंटेंस बड़ा आसान है, लेकिन चूंकि इस प्रकार के सेंटेंस को स्टूडेंट्स ने पहले बोला हुआ नहीं होता, तो इसको एक बार बोलने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। मेरी आदत है बाल संवारने के लिए, तो आप हैबिट ऑफ को कैसे यूज करेंगे, ऐसे, इट इज माई हैबिट ऑफ, क्या आप ऐसे बनाएंगे, इट इज माई हैबिट ऑफ। और सुनना, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो जेरंड वाला टॉपिक वापस पढ़े। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक्शन कभी नहीं आ सकता, पहले पढ़ा हुआ याद है, और यदि आ गया तो ये रॉन्ग है। इसको सही करने के लिए आपको ऑफ के बाद एक्शन के साथ क्या लगानी पड़ेगी, आई एन जी, उसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एवरी टाइम, राइट। तो यदि आपको ऐसा कहना है कि ऐसे जुल्फे संवारने की मेरी आदत है, तो इट इज माई हैबिट ऑफ रफल हेयर या रफलिंग हेयर, है ना, जुल्फे संवारने के लिए, बाल संवारने के लिए आप रफल हेयर यूज करें, अच्छा वर्ड है, है ना। तो पूरा वाक्य बनाइए, इट इज माई हैबिट ऑफ रफल, यहाँ रख के आइंज लगा के पूरा सेंटेंस बनाकर बोलिए, वेरी नाइस, इट इज माई हैबिट ऑफ रफलिंग हेयर, ओके, क्लियर। और भी कई सारी, ऐसे नाखून क्यों खाते हो, नाखून काटने की मेरी आदत है सर, है ना, बाइट नेल्स, इसको क्या बोलेंगे, दांतों से यदि आप नाखून काट रहे हो उसके लिए बाइट नेल्स, बोलो इट इज माई हैबिट ऑफ बाइट के साथ आइंच लगा के बोलो, इट इज माई हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल, ओके। क्यों, दिन में तीन चार बार तो चाय पीते हो, देख लिया मैंने, क्यों पीते हो, सर मेरी आदत है चाय पीने की, है ना, चाय पीना, हैव टी या टेक टी, है ना, मेरी चाय पीने की आदत है, इट इज माई हैबिट ऑफ टेक के साथ आइंच लगा के बोलो,
अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ऑफ के बाद ये एक्शन के साथ हमने आईएनजी क्यों यूज किया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी एक्शन नहीं आता, आपको आईएनजी लगा के इसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन तो आता है ना। तो बोलो इट इज माई हैबिट ऑफ टेकिंग टी, राइट। ये तो आप अपनी हैबिट बता रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति की बोलना है। तस्लीम आप हमेशा लेट आते हो, आपकी लेट आने की आदत है, आपकी लेट आने की आदत हो, इट इज माई हैबिट की जगह बोलो इट इज योर हैबिट ऑफ कमिंग लेट। कन्हैया आपकी नाखून खाने की आदत है, बोलो इट इज योर हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। ऑलराइट, ये तो मैं कह रहा हूँ इट इज योर हैबिट ऑफ बाइट। क्वेश्चन पूछना तो इज आगे आ जाएगा, इज आगे लाइए और पूछे क्या आपकी आदत है, इज इट योर हैबिट। सेंटेंस बड़ा आसान है लेकिन वही एक्सपीरियंस कितना है, कितनी बार पहले बोला हुआ, वो दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। हाँ पूछिए क्या आपकी आदत है लेट आने की, तस्लीम इज इट योर हैबिट ऑफ कम लेट या कमिंग लेट, आईएनजी लगाना पड़ेगा। इज इट योर हैबिट ऑफ कमिंग लेट, आप बार बार चाय पीते रहते हो, आपकी चाय पीने की आदत है क्या, बोलो इज इट योर हैबिट ऑफ टेकिंग टी। एक बार और फिर से बोलिए, माना आप बार बार ऐसे जुल्फे सवारते रहते हो, आपकी आदत है क्या जुल्फे सवारने की, वेरी नाइस। अब अच्छा फ्लो बनने लगा आपका, आप जो घर पे देख रहे हैं आप भी बोलते रहो, किसी को पूछेगा यार तेरी जुल्फे सवारने की आदत है क्या, बोलो इज इट योर हैबिट ऑफ रफलिंग हेयर। एक बार मना भी करो, नहीं मेरी आदत तो नहीं है सर, इट्स नॉट माई हैबिट। और आगे कनेक्ट करके बोलो इट्स नॉट माई हैबिट ऑफ रफलिंग हेयर। इज इट क्लियर, क्लियर है, ठीक है। दो तीन सेंटेंस और बोलिए फटाफट फटाफट, है ना। कई बार शुरू में बताया था ना ऐसे क्रैक करने की आदत, इसको बोलते हैं क्रैक नकल्स, क्या आवाज आती है जॉइंट में से ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्रैक नकल्स, क्या। इधर दे रखे सारी वोकैब, इधर दे रखे लास्ट में आप और अच्छी वोकैब यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रैक नकल्स, क्या। नकल्स को जॉइंट्स होते नहीं है उसको नकल्स कहते हैं। पूछना यार ऐसे हमारे देसी लैंग्वेज बोलते हैं कड़ी के बजाने की आदत है क्या दे रही, राइट। यहाँ यही बोलते हैं ना लोकल में, तो पूछिए क्या आपको ऐसे कड़ी के बजाने की आदत है क्या, तो इज इट योर हैबिट ऑफ एक्शन की जगह क्रैक नकल्स, क्रैक के साथ आइंज लगा के बोलो एक स्वर में, इज इट योर हैबिट ऑफ क्रैकिंग नकल्स। नो नो मेरी आदत नहीं सर, बोलो इट्स नॉट माई हैबिट ऑफ क्रैकिंग नकल्स। अब यदि आप ठीक से देखो तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, हैबिट आप पहले से जानते हो, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस आपने पहले कभी बोले नहीं। डोंट फॉरगेट कि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और इस प्रकार की फ्रेजेस के ऊपर आप कितने सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। हिंदी में बोलते हो माफ कीजिएगा, हिंदी में आप बोलते हो, इंग्लिश में आपकी आदत नहीं है। आप ये जो भी सेंटेंस मैं बुलवा रहा हूँ आप ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने पहले इनको बोला हुआ नहीं, तो मीनिंग पे नहीं जाए, इसके बोलने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे, राइट। ये तो एक पार्ट। दूसरा पार्ट कि यदि हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में आदत बनती है, और यदि उस काम को हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे आदत से हम आदि बन जाते हैं। सुना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऑटो से आ रहे हो और यदि आपने बाइक खरीदी या किसी की बाइक महीने दो महीनों के लिए मिल गई, तो महीने दो महीनों के लिए यदि आप बाइक पे आ रहे हो ना तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। साल भर आए तो धीरे धीरे आप आदि हो जाओगे, बाइक नहीं होगी तो आधे लोग जाएंगे नहीं, क्यों, अब आदि हो गए बाइक के, आदि हो गए मतलब जबरदस्त आदत पड़ गई उसकी, है ना। कोई चाय पी रहा है, अब वो सुबह चाय पीता है शाम को भी चाय पीता है, तो उसको चाय चाहिए, साल दो साल से पी रहा है, क्यों, अब उसकी आदत नहीं, वो आदि हो गया, आदि मतलब जबरदस्त आदत पड़ गई, राइट। तो किसी भी चीज का आदि है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू, क्या, बट यूज्ड टू कंफ्यूजिंग है, सेमी मॉडल है, पहले आप समझे कैसे यूज होता है उसके बाद ही हम यूज करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं किसका, यूज्ड टू, किसका, ये डबल रोल है, इसके दो जगह काम में आता है, एक तो यूज्ड टू बताता है पास्ट हैबिट, क्या, पुराने वीडियोज को आप देखिए, पहले बताया रखा बचपन में मैं लुका छुपी खेलता था, तो आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, यू रिमेम्बर, है ना। तो एक तो वहां पर यूज टू यूज करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। आज मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो यूज टू है, स्पेलिंग एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन ये एक फ्रेज है ना, और ये जो यूज टू था ना यहाँ पे, ये एक फ्रेज है, और यहाँ पे जब पास्ट हैबिट की तरह काम में आता है तो ये इन्फिनिटिव है, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, राइट। और जब ये यूज टू आप एज ए फ्रेज यूज कर रहे हो ना तो ये प्रेपोजिशन है, जो प्रेपोजिशन आप यूज करते हो यूज टू जो एज ए फ्रेज, इसका मीनिंग निकलता आदि, मैं किसी भी चीज़ का आदि हूँ, मैं चाय पीने का आदि हूँ, है ना, मैं लेट उठने का आदि हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, मैं ऐसी में रहने का आदि हूँ, कार्स कैसे चलाते हो चलाने का आदि हूँ मैं, राइट। तो आदि हूँ तो उसके लिए क्या यूज करोगे,
यूज टू ये फ्रेज, ये वाला मीनिंग आएगा सेकंड वाला, बट ध्यान रखिए ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक्शन नहीं आता, ये वाला रूल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वन बाय वन, मैं चाय का आदि हूं, तो सिंपल सेंटेंस में किसी चीज का आदि हूं तो आप बोलोगे आई एम यूज्ड टू, क्या? कई सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम के साथ यूज टू कैसे आ रहा है। अरे ये फ्रेज है, मीनिंग है, सिंपल आदि हूं मैं किसी भी चीज का, उसके तौर पर यूज कर रहे हैं, राइट? तो मैं आदि हूं तो आई एम यूज्ड टू, राइट? तो यूज टू के बाद किसी चीज का आदि हूं तो उसको हम बोलेंगे एस टी एच, एस टी एच मतलब समथिंग, किसी वस्तु का आदि हूं, चाय का आदि हूं तो बोलो आई एम यूज्ड टू टी, मैं एसी का आदि हूं, एसी में रहूंगा, एसी के बिना मेरा नहीं चलता, बोलो आई एम यूज्ड टू एसी। जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वही कहेंगे मैं यूज्ड टू हो गया हूं कार का, कार के बिना कहीं जा ही नहीं सकता, राइट? तो ये हुआ किसी चीज का आदि। और दूसरे नंबर पे यदि आप एक्शन यूज कर रहे हो, मतलब कोई काम के आदि हो, तो पहली बात तो ये समझना कि यहां पे टू प्रेपोजिशन है, क्या है? तो टू प्रेपोजिशन के बाद एक्शन आ ही नहीं सकता, यहां पर भी आपको आईएनजी लगाकर क्या बनाना पड़ेगा? नाउन, वही जेरेंड के तहत। ये परमानेंट रूल है, कोई भी प्रेपोजिशन उसके बाद एक्शन नहीं आएगा, उसके साथ आईएनजी लगाकर आपको नाउन बनाना ही पड़ेगा, राइट? तो मैं चाय पीने का आदि हूं, यदि आपको बोलना था आप क्या बोलोगे? आई एम यूज्ड टू टेक टी या टेकिंग टी? आया समझ में? बोलिए आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। सर हाउ कैन यू टीच, कैसे पढ़ा सकते हो आप सुबह से शाम तक? मैं कहूंगा बस अब तो आदि हूं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बोला आई एम यूज्ड टू टीचिंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग होल डे। ओके, लेट क्यों आते हो? अब तो आदि हूं, मैं नहीं तुम आदि हो, बोलो यू आर यूज्ड टू कमिंग लेट। ये तो मैं कह रहा हूं यू आर यूज्ड टू कमिंग लेट, क्वेश्चन पूछना था, आर आगे लाओ, आगे आ लाइए, बोलो आर यू यूज्ड टू कमिंग लेट, है ना? एक्शन आ रहा था, आईएनजी लगेगा, और समथिंग, क्या आप चाय के आदि हो? बोलो आर यू यूज्ड टू टी, क्या आप एसी के आदि हो? बोलो आर यू यूज्ड टू एसी, नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, बोलो आई एम नॉट यूज्ड टू एसी, मैं कोई कार का भी आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज्ड टू कार, ये कार का यूज टू नहीं हूँ मैं, मतलब ऐसी कोई गंदी आदत नहीं पड़ी हुई मेरी, मैं आदि नहीं हूँ, बिना कार के भी आ जाता हूँ ना। दो तीन क्वेश्चन और बोलिए फटाफट फटाफट, है ना? कि आप चाय पीने के आदि, वापस बोलो आई यू यूज टू टेकिंग टी, ना मैं आदि नहीं हूँ, बोलो आई एम नॉट यूज टू टेकिंग टी, राइट? दो तीन, दो चार सेंटेंस और बनाओ, इधर बना रखे लास्ट में स्लाइड में, ऊपर कई सारी वोकैब दे रखी है, लेकिन दोनों में आप कंपेयर करते रहे, राइट? नॉर्मल आदत है तो हैबिट ऑफ इज द बेस्ट, लेकिन यदि आपको लग रहा है स्ट्रांग जबरदस्त आदत है तो उसके लिए आप यूज टू यूज करेंगे, वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा फ्रूटफुल है, यूजफुल है। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है, दो तीन सेंटेंस और बोलिएगा। नॉर्मल आदत, क्या तुम लेट उठने के आपकी आदत है क्या? तो इज इट योर हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट, बोलो। लेकिन ऐसे बोला तुम आदि हो क्या यार, कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तो आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप लेट? गॉट इट? बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैबिट ऑफ एंड यूज्ड टू। हैबिट ऑफ मतलब किसी भी चीज की आदत, और थोड़ी जबरदस्त आदत है, ज्यादा है, तो उसके लिए यूज टू ज्यादा अच्छा है। इसे आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। कैसे? मैं पहले तो बहुत आदि था यार सोने का, है ना, मैं बहुत आदि था लेट उठने का, ना, आई वॉज यूज टू गेटिंग अप लेट, बोलो, राइट? लेकिन अब तो ठीक है, आई हैव चेंज्ड माई हैबिट। पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में, सर मैं अभी इंग्लिश में बोलने का यूज टू नहीं हुआ, प्रैक्टिस करते रहो, अब धीरे धीरे आदि हो जाओगे इंग्लिश में बोलने के, आदि हो जाओगे फ्यूचर के लिए, तो यू विल बी यूज टू, क्या? या फिर बोलो यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, आदि हो जाओगे इंग्लिश में बोलने के, राइट? लेकिन उसके लिए आपको ऐसे बार बार कई सारे सेंटेंसेस और बोलने की आवश्यकता है, बोलने पड़ेंगे, राइट? तो अधिकतर तो यही काम में आते हैं। यदि बैड हैबिट्स की हम बात करें, यदि हम इंटॉक्सिकेशन की बात करें, नशे की बात करें, बैड हैबिट्स की बात करें, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कि तुम्हारी आदत है क्या सिगरेट पीने की? बोलो इज इट योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग? कुछ ज्यादा सिगरेट पी रहा है, तुम आदि हो गया सिगरेट पीने के, तो बोलो आर यू यूज्ड टू स्मोकिंग? लेकिन सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, है ना, ये जो इंटॉक्सिकेंट्स है ना, इनके लिए आप अच्छा वर्ड बना हुआ आप यूज कर सकते हैं, गिवन टू। क्या? गिवन टू मतलब किसी चीज की लत लगी हुई, है ना, उसकी लत लगी हुई सिगरेट पीने की, बोलो ही इज गिवन टू स्मोकिंग, सिगरेट पीने की, तो स्मोक के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टू वापस प्रेपोजिशन है। कुछ लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पता चलेगा, राइट? बताऊंगा तभी, एक बार इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं हम टॉपिक, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पढ़ाने का पर्पज ये है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ओके? लेकिन कई बार एक्सट्रीम आदत पड़ी हुई नहीं, आदत बिगड़ी हुई है ना, कोई ड्रग्स ले रहा है, गांजा भांग, तो उसके लिए अच्छा वर्ड बना हुआ एडिक्टेड टू। क्या? आदत पड़ी हुई नहीं, आदत बिगड़ी हुई, ये कह सकते हैं, है ना, उसकी ड्रग्स लेने की आदत बिगड़ी हुई है, बोलो ही इज एडिक्टेड टू, मतलब कुछ नहीं दिखता हो, चाहिए मतलब चाहिए, है ना, तो बोलो ही इज एडिक्टेड टू टेकिंग ड्रग्स। यदि आप एक्शन यूज कर रहे हो तो ऐसे बोलना, वो ड्रग्स का
कई भाषा, देसी भाषा में कई सारे तरीके से बोलते हैं, वो नशेड़ी हैं, वो बिगड़ी हुई आदत उसकी, तो उसके लिए यूज ये एडिक्टेड टू परफेक्ट वर्ड है, बोलो ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स। लेकिन ये बैड हैबिट्स या इंटॉक्सिकेशन के लिए ही ज़्यादा काम में आता है, गिवन टू एडिक्टेड टू, नॉर्मली रूप से भी यूज़ करते हैं, एडिक्शन है उसका, बट अधिकतर हैबिट ऑफ और यूज टू ही काम में आता है। ये कोई टॉपिक नहीं, पुराना वाला जेरंड का ही मैं यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये मूल्यांकन करना कि ये सेंटेंस आपने पहले बोले हुए नहीं। अब इधर वाली स्लाइड इधर अच्छी वोकैब के साथ दे रखी है, तो आप तो यहाँ से लिख लें, लेकिन आप जो इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं पर भी देख रहे हैं, टीवी, यूट्यूब या फेसबुक पे, आपको अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ शॉर्ट में 15-20 मिनट में हम इस क्लास को फिनिश कर देते हैं। हमारी क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, ग्रुप में बिठा के और प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि ये टंग पर आ जाए। लेकिन आपके लिए बड़ी समस्या है कि आप यदि इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नॉलेज दिमाग में रहेगा, लेकिन एक शिकायत हमेशा रहेगी कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन बोलने में कॉन्फिडेंस अब तक नहीं आया। प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करें। स्लाइड को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ 5 सेकेंड्स के लिए, ये रही स्लाइड, आप लिखिए, ऊपर दिख रहा है, इज़ इट योर हैबिट ऑफ आर यू यूज टू गिवन टू एडिक्टेड टू, चारों स्ट्रक्चर दे रखें। ये स्लाइड आप मीनिंग निकालें, खुद सेंटेंस बनाएं, आप खुद भी इसके ऊपर सेंटेंस बनाएं और ग्रुप में बैठकर प्रैक्टिस करें। आज के लिए काफी, बोलो इट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा लगा आपसे मिलके, नाइस मीटिंग विद यू। आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन हमेशा बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाकर, दैट्स वाई मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कीप वॉचिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस, और गुरु दक्षिणा आप सबसे ये मांगते हैं कि इन वीडियोस को प्लीज आप शेयर जरूर करें, लाइक करें दूसरों के साथ। आप आजकल तो व्हाट्सएप पे शेयर का ऑप्शन आता है, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो देखने के लिए, शेयर करें। और यदि किसी के अंदर पोटेंशियल है कि वो स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट लॉन्च करना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरा असिस्टेंस देते हैं, हमारे पास बिजनेस प्रपोजल्स है, लास्ट में ईमेल आईडी डिस्प्ले होगी, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यू कैन सेंड मैसेज, अदरवाइज इट्स इनफ, आज के लिए काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।